हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त जरूर आता है। अगर दोस्तों हम पहले ही जान जाए कि मेरे जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है तो कितना अच्छा होगा। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे, तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से पूछे, हे भगवान, किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला हो तो उसे कैसे पता चलेगा। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया, मैं इंसानों को कई रूपों में संकेत देता हूँ और यह 7 संकेत है। तो दोस्तों आप जानते हैं वह 7 संकेत क्या है। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के, ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। इसी सवाल का जवाब भगवान विष्णु ने क्या दिए हैं जानते हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंख रात को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है और आपका चेहरा खिला खिला हुआ रहता है, मुस्कान से भरा रहता है, आपके चेहरे पर क्रोध बिल्कुल नहीं रहता है। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तखत देने वाली है। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म देती है, बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठाकर ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में योग पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा आपने बहुत सुना होगा और ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उसका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना आपको ऐसा संकेत देता है कि ईश्वर आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना, यह महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। छठवां संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे और कारण आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले
और आपको गौ माता का दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।